आप सभी का राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, और मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि भैया मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मिडिल क्लास के लिए वीडियो लेके आता हूँ। तो ऐसे में मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं भैया गरीब है ये। तो भैया रुको, ज़रा सब्र करो, ये गरीब वाली वीडियो नहीं है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडिया का सबसे महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने वाला है। सच में मजाक नहीं कर रहा, सच में लॉन्च होने वाला है, और ये कंपनी करने वाली है। आपको पता चल गया होगा, बहुत से लोगों को ये करने वाली है BMW या BMW, जो आप कहते हो वो मान सकते हो, क्योंकि इंडिया में से BMW कहते हैं, अदर कंट्री में से BMW कहते हैं। वो अलग अलग सबकी प्रोनाउंसिएशन होती है, देखने का नज़रिया होता है। तो मैं तो BMW ही कहूँगा, इंडिया का हूँ तो BMW ही कहूँगा। तो BMW अपनी सबसे महंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाला है, या मैं कह लूँ लॉन्च कर दिया है, क्योंकि इसने शोकेश कर दिया, तो अल्टीमेटली लॉन्च कर ही दिया, ये मान के चलता हूँ मैं। तो अगर आप लोग जानना है कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है और इसकी प्राइस कितनी है, मैं प्राइस बता दूँ, मैं आपको प्राइस बता दूँ पहले, ताकि आप लोगों को अंदाजा मिल जाए कि कितना महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर BMW ने निकाला है। इसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली है 20 लाख के आसपास। सच में 20 लाख है, मजाक नहीं है, वीडियो देखोगे आपको तो चल जाएगा 20 लाख सच में। तो अगर आप लोग जाना है BMW के सबसे महंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जो कि इंडिया में है, अवेलेबल है, सच में है, तो भाई ये वीडियो एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। वीडियो शॉर्ट करने वाले रिक्वेस्ट है, आपकी स्क्रीन है ना कोई सी भी फ़ोन की टाइप की मैटर नहीं करता, थोड़ा सा नीचे हुआ ना बटन आओ सब्सक्राइब वाला, उसको दबा के ऐसा कलर चेंज कर दें कि जल्दी से जल्दी मैं 1 लाख तक पहुँचाऊँ, ताकि मैं उस समय कुछ ऐसा कर पाऊँ ताकि आप लोगों को और अच्छा लगे इस चैनल पर आने के बाद। क्योंकि ये चैनल अब ऐसा होने वाला है, यहाँ पे आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन फ्यूचर, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे टेक हो, चाहे ट्रैवलिंग का हो, हर तरह की आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली इस चैनल पे। बाकी वापस आते अपने वीडियो की तरफ, वो चीज़ें अलग है, इन फ्यूचर वाली क्या कहते हैं प्लानिंग है वो अलग है। इस वीडियो की बात करते हैं, जो कि सबसे महंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर BMW ने जो लॉन्च किया है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वो भी बिना किसी डेडिकेशन के, जैसे गवर्नमेंट काम करती है हम मिडिल क्लास को लेके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो गई है इंडिया के अंदर, जो कि BMW मोटरवर्ल्ड की है, जिसने हाल ही के अंदर S1000RR को लॉन्च किया, जिसकी प्राइस है 20,25,000 रुपये। जिस इवेंट के अंदर S1000RR को लॉन्च किया गया था, उसी के अंदर CE04 इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश किया गया है। BMW मोटर इंडिया इसे इंडिया में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि कंपनी की ओर से इसकी लॉन्च डेट का कोई ऐलान नहीं किया गया, मतलब अनाउंसमेंट नहीं की गई है। BMW मोटर इंडिया की ओर से पहली ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल पेश होगी। लॉन्च के बाद ये इंडियन मार्केट में सबसे महंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर बन जाएगी, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसकी जो प्राइस है 20 लाख रुपए है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर कीमत वाकई इतनी है, तो BMW CE04 भारत की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर होगी। BMW की इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 8.9 किलोवाट की लिथियम बैटरी मिल जाएगी, मतलब कि BMW CE04 की बात कर रहा हूँ मैं, और ये फुल चार्ज होने पर आपको 129 किलोमीटर की रेंज देगी, मतलब 20 लाख रुपये दोगे और सिर्फ 130 किलोमीटर की आपको रेंज मिलेगी। डिजाइन के मामले में CE04 उन सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर से अलग है जो अभी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। इसका डिजाइन काफी अलग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्कूटर के आगे छोटे वाइजर मिलते हैं, इसके साथ एक बड़ा LED हेडलाइट मिलता है। स्कूटर के अंदर सिंगल पीस सीट मिलेगी जो काफी लंबी है। स्कूटर में आपको बड़े फुटरेस्ट और एक्सपोज बॉडी पैनल देखने को मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी फीचर लोडेड होगा। इसके अंदर आपको 10.2 इंच का TFT डिस्प्ले मिलेगा, जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टीपल राइडिंग मोड जैसे कई सारे फीचर मिलेंगे। इस स्कूटर के अंदर जो चार्जर होगा वो 2.3 किलोवाट का होगा, और इस चार्जर की मदद से ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है 4 घंटे के अंदर 100% चार्ज होएगा। वहीं अगर आप लोग हैवी ड्यूटी मतलब फास्ट चार्जिंग यूज़ करते हो, 6.9 किलोवाट का, मतलब इको मिलता है जो कि 6.9 किलोवाट का, उससे चार्ज करते हो तो 1 घंटे 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। तो भैया अब इंडिया के अंदर सबसे महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर ही मौजूद है, जिसको आप खरीद सकते हो अगर खरीदना है तो। अगर आपका बजट है और आप लोग सोच रहे थे भैया BMW से नीचे नहीं जाएंगे, तो आप लोग इसको ले सकते हो। हम लोग तो भैया हमको कुछ ही मिल जाए, हीरो TVS बजाज कुछ ही मिल जाए, हम तो खुश हो जाते हैं कि भाई हमारा काम डेली का निपट रहा है। मगर कुछ लोग होते हैं कि भैया इससे नीचे नहीं जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो आप लोग ये कर सकते हो, अगर आपको BMW ही चाहिए था तो आप लोग ये ले सकते हो, क्योंकि ये अब अवेलेबल है, टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर भैया लेते हो तो भैया मेरे को जरूर टैग करें, ताकि मेरे को पता चले कि मेरी ऑडियंस इतनी है, संपन्न परिवार से आती है। अमीर तो नहीं कहूँगा मैं, अमीर थोड़ा वो हो जाएगा, हार्श वर्ड हो जाएगा, मैं कहता हूँ संपन्न परिवार से, थोड़ा रिच फैमिली से आती है। तो भैया टैग कर देना, एक रिक्वेस्ट, एक दोस्त भाई की तरफ से रिक्वेस्ट है, तो कर देना।
बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी किसी बाइक को लेकर, गाड़ी को लेकर, इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि इस क्वेरी पर डिटेल वीडियो बना दूँ तो ही मेरे को बता सकते हो, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ताकि आप लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कम से कम समय के अंदर मैं एक वीडियो फॉर्मेट कर दूँ, ताकि आप लोग जब मन करे आप लोग दे सको। और अगर आपका थोड़ा सा मन करे क्योंकि सपोर्ट कर देते इसको, तो शेयर भी कर सको, क्योंकि आपको शेयर करने से ही मेरे को सपोर्ट मिलेगा, और साथ साथ सब्सक्राइब कर दो, तो दोनों जगह से मेरे को बैलेंस मिलता रहेगा। बाकी इस वीडियो से इतना ही गाइस, अगर वीडियो चलेगी मीटिंग लगे तो आपको पता क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तुम लोग बाय, टेक केयर।